ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिका की मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन की ड्यूटी कम करो, तो मोदी कम करके फोन करके बोलते बॉस मैंने ड्यूटी कम कर दी। अरे तुम अमेरिका से डरते हो मोदी, और तुम हमको बता रहे हो कि घर में घुस के मारेंगे। अरे तुम्हारा 56 इंच का सीना नहीं है, तुम ट्रंप से डरने वाले हो, और हम ट्रंप नहीं किसी के बाप से नहीं डरने वाले हैं। मोदी का हाल तो ये है कि अब मोदी ने एक फिल्म एक्टर को इंटरव्यू दे दिया। टीवी पर जितने उनके एंकर थे वो टीवी के एंकर वाले क्योंकि अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे थे, तो मोदी ने उनसे कहा कि तुम एक्टिंग सही नहीं कर रहे, मैं सही एक्टर को लेकर आऊंगा। और सही एक्टर को लाए, और लाकर वो एक्टर मोदी से क्या सवाल करता है, आप आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, ये कोई सवाल है? अरे दीवाने, तेरे को आम खाना नहीं आता तो पूछ रहा है काट के खाते चूस के खाते? अरे आम मिला तो खाना पड़ता है उसको। ये बोल रहे आप काट के खाते या चूस के खाते? इसको अब नमो टीवी का एंकर बना दो इस एक्टर को। ये बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर है, फिल्म के एक्टर है हॉलीवुड का, एक्टर को बुलाकर पूछ रहा है, हंस रहा है। क्या बात है, देश में लोग मर रहे हैं, देश में नौजवान परेशान है। ये 2 करोड़ नौकरियों का वादा मोदी ने किया। अच्छा, आप तमाम को नौकरी मिली? मेरे भाई, किसी का कुछ काम नहीं हुआ, मगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ही बात, अगर उनसे नौकरी का सवाल करे, जीएसटी का सवाल करे, नोटबंदी का सवाल करे, तो प्राइम मिनिस्टर बोलते मैं घर में घुस के मारा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, तुम 23 मई को एक्स प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हो। कल हमने फैसला लिया कि हम ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे, ईरान से ऑयल नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी के जो सुपर पावर दोस्त हैं, ट्रंप ने उनको कहा कि मोदी यू शुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, तो मोदी ने कहा यस बॉस विल ओबे यू। उसका नतीजा क्या निकलेगा? हिंदुस्तान की आवाम पर 2,500 करोड़ का बोझ आयद होगा। अमेरिका कौन है? अमेरिका हिंदुस्तान पे क्या कंट्रोल कर सकता है? अगर मोदी में 56 इंच का सीना होता, अगर मोदी में वाकई में हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी से मोहब्बत होती, तो मोदी ट्रंप को कहता कि झक मार, मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊंगा, मगर नहीं किया। बाबू बजरंगी जिसको लाइफ हुई, जिसने वीडियो पर कहा कि मैंने मुस्लिम खवातीन जो हामिला थी उनके बेटों को काटा मैंने, ये मोदी की गवर्नमेंट गुजरात में कोर्ट में एफिडेविट डालती है कि हाँ इसको बेल दे दो आप। मेरे भाई, अगर अब भी आप नहीं जागेंगे तो कब जागोगे? क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने अपने स्टेटमेंट के जरिए हेमंत करकरे, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जो पाकिस्तान से जालिम अजमल कसब और उसकी गैंग आई थी, जो मुंबई की सड़कों पर हिंदुस्तानियों को गोली मार रहे थे, हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो ये बीजेपी की मोदी की कैंडिडेट महाराष्ट्र की तौहीन करती है और कहती है कि हेमंत करकरे को मैंने शराब दिया। जो पुलिस वाले लाइन ऑफ ड्यूटी में मर जाते, क्या इस प्रज्ञा ठाकुर की बद्दुआ से मरते? हेमंत करकरे जब ड्यूटी कर रहा था तो क्या वो देख रहा था कि अजमल कसब मुसलमान है और प्रज्ञा ठाकुर हिंदू है? वो ये देख रहा था कि टेररिज्म को रोकना है। मैं महाराष्ट्र की आवाम से अपील कर रहा हूं, अगर हेमंत करकरे की मोहब्बत, उसकी कुर्बानियां तुम्हारे दिलों में अगर आज भी है, तो कभी भी इस पार्टी का साथ मत दो। एक सबक सिखाओ इन लोगों को जिसने हेमंत करकरे की तौहीन की, जिसके ऊपर टेररिज्म का केस है। अगर मैं आथर रोड जेल से या यरवाड़ा जेल से एक नौजवान को छुड़ा कर लाऊं जिसके ऊपर टेररिज्म का केस है, उसको डाइस पे खड़ा करके खाली फोटो लूं, तो हिंदुस्तान का हर टीवी चैनल बोलेगा कि ओवैसी टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि मोदी इनका बाप है, इनकी जबान खामोश है।
इनकी ज़बानें खामोश है कि तुम टेररिज्म की तुम्हारी ये लड़ाई, बताइए आप।